चलिए, यह वीडियो 7 बजे वाले बैच के लिए है। अभी 7 बजे वाला लाइव क्लास स्टार्ट हुआ था, लेकिन नेट डिस्टर्ब होने के कारण 10 मिनट पढ़ाई हुआ, फिर नेट डिस्टर्ब हो गया। तो इसीलिए बोले हुए हैं कि जब भी नेट डिस्टर्ब होगा तब लाइव क्लास नहीं चलेगा, बदले में वीडियो रिकॉर्ड करके हम सेंड कर देंगे। तो चैप्टर आपका चल रहा है पार्टनरशिप, फिर से इसको हम आपको समझा दें। देखिए, ए और बी 50,000 60,000 रुपया लगाया है। ए का हो गया 50,000, बी का हो गया आपको 60,000। 4 महीना बाद, तो ये 4 ही महीना तक लगाया था। 4 महीना तक इसका पूंजी है 50,000 और 4 महीना तक इसका पूंजी है 60,000, फर्स्ट 4 मंथ के लिए। और 4 महीना के बाद दोनों का पूंजी बदल जाता है, कितना कितना हो जाता है। तो 50,000 में 10,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका पूंजी हो गया 60,000। आई 60,000 लगाया था, उसमें से 10,000 निकाल लिया, तो इसका हो गया 50,000। और बिजनेस चला है वर्ष के अंत में 1 साल, तो 1 साल 12 महीना, 12 महीना में पहले 4 महीने तक 50,000 और बाकी 8 महीना के लिए इसका हो गया 60,000। इसका शुरुआत में 4 महीना के लिए 60,000 और बाकी 8 महीना के लिए हो गया 50,000। इस और आइए अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपको 50 × 4 = 200, इधर हो गया आपको 480, 680। जीरो जीरो तो कट जाएगा, या इस पर 000 दीजिए, हालांकि ये सब तो बाद में आपका कट जाता है। चलिए इधर देखिए, 7 × 4 240 और उधर हो गया 400, 640। तो बाकी जीरो सब कट जाता है। और 4 से तो आंसर हो गया आपको 17:16। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। ए भी किसी व्यापार में 50,000 और 60,000 रुपया लगाया है। शुरुआत किया है आप 50,000 रुपया से, और यह शुरुआत किया है 60,000 रुपया से। चलिए, 00 को छोड़ रहे हैं क्योंकि बाद में तो वो सब कैंसिल ही हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। ए प्रत्येक 4 माह बाद 10,000 रुपया और भी पूंजी लगाते जाता है, और बी प्रत्येक 4 माह बाद 10,000 रुपया निकाला वर्ष के अंत में। तो पहले तो ये देख लिए कि बिजनेस चला कितना दिन, 12 महीना। तो हर एक चार चार महीना के बाद पूंजी बदल रहा है, ए का पूंजी बढ़ते जा रहा है, बी का पूंजी घटते जा रहा है। तो ऐसे लिखिएगा, पहले 4 महीने तक इसका पूंजी रहा 50,000, 4 महीना के बाद हो गया 50 × 10 = 60,000, फिर अगले 4 महीना के बाद हो जाएगा 60 × 10 = 70,000। ऐसे फिर से समझा जाए, 4 महीना 4 महीना 4 महीना सब मिला के 12 महीना। तो फर्स्ट 4 मंथ 50,000 उसका कैपिटल है या पूंजी है, सेकंड 4 मंथ में उसका 10,000 और बढ़ गया, अब हो गया 60,000, थर्ड 4 मंथ में या लास्ट 4 मंथ में उसका फिर 10,000 बढ़ गया 70,000। आइए हमेशा ध्यान रखिए, कोई पूंजी निकाले चाहे लगाए, बीच बीच में प्लस ही लिखिएगा, बीच बीच में लिखिएगा प्लस। पूंजी बढ़ रहा है तो 10,000 तो जुटते ही जा रहा है, घटेगा तो 10,000 घटेगा। जैसे बी का देखिए, स्टार्टिंग किया 60,000 से, हर एक 4 महीने के बाद 10,000 निकाल रहा है, 3 × 4 = 10,000 निकाल दीजिए तो ये हो गया 50,000 × 4, फिर 10,000 निकाल दीजिए तो 40,000 × 4,
लेकिन बीच में साइन लिखिएगा प्लस का, बीच में जो साइन लिखिएगा वो लिखिएगा क्या लिखा, प्लस। चलिए कैलकुलेशन करिए, तो 200 और 240, 440 और 280, इसको जोड़ दीजिए तो 720 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ हो गया आपको 240 और 200, 440, 440 और 160, 600 हो जाएगा ना। और 12 से कटाइए, 6 और 5, तो आंसर हो गया 6:5। और इस 6:5 किसका रेशियो निकलता है, तो प्रॉफिट। तो बोला गया है कि लाभ का अनुपात बताइए, रेशियो बताइए प्रॉफिट का, तो आंसर हो गया 6:5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है कि राजेश और रमेश 5 लाख रुपया में एक कार खरीदा है। रमेश 60% पूंजी लगाया है, दोनों मिल करके कार का प्रयोग करता है। अब आगे पढ़ते हैं, दोनों मिल करके कार का प्रयोग करता है। विषम दिन में, मतलब ऑड डे में, ऑड डे मतलब 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख में राजेश पहला आदमी, और सम दिन में रमेश यूज करता है। मतलब महीना में मान ली कि 30 दिन हुआ, तो 15-15 दिन दोनों यूज करेगा। मान ली महीना 31 का है, तो जो शुरू ही में यूज करेगा वो 1 दिन ज़्यादा यानी 16 दिन यूज करेगा, दूसरा आदमी 15 दिन यूज करेगा। अब इस ये जो 20% ज़्यादा पूंजी लगाया है, इससे 20% जो ज़्यादा पूंजी लगाया है उसके बदले कंडीशन तय किया गया है। राजेश रमेश से जितना परसेंट अधिक पूंजी लगाता है, रमेश राजेश का उतना ही परसेंट कर्ज खुद वहन करेगा। कहता है कि इससे जो ये 20% ज़्यादा पूंजी लगाया है, तो बदले में कार चलाने में जो मंथली खर्च होगा या कार चलाने में जो खर्च होगा, 20% ज़्यादा खर्चा देगा रमेश, क्योंकि पूंजी वो 20% कम लगाया है, तो खर्चा वो 20% ज़्यादा देगा, या राजेश का 20% खर्चा वो वहन करेगा। बात एक ही है, क्योंकि दो ही आदमी। अब बोला गया है कि मार्च महीने का खर्च 9300 रुपया है, तो राजेश का खर्च बताइए। तो मार्च मंथ होता है 31 का, तो 31 में पहले ही देख लीजिए कौन कितना दिन यूज किया है। तो राजेश यूज करेगा 16 दिन, रमेश यूज करेगा 15 दिन, क्योंकि 31 का महीना है, शुरुआत राजेश करता है, तो जो पहला शुरू किया वो 1 दिन ज़्यादा करता है। अब आइए किसका खर्च निकालना है ये देख लें, तो राजेश का निकालना। तो राजेश का हो गया 16 बटा 31 गुना 9300, 4800। तो राजेश को 4800 रुपया देना पड़ेगा। 1 महीना मार्च का 9300 रुपया खर्च आया है कार को चलाने में, जिसमें पहला आदमी 16 दिन यूज किया, तो 16 दिन का उसको खर्चा लगेगा 4800 रुपया। लेकिन कंडीशन ये 20% पूंजी इससे ज़्यादा लगाया था, तो उसके बदले तय हुआ था कि खर्च जो भी इसका खर्च आएगा उसमें 20% रमेश इसका खर्चा करेगा। तो अब इसको 20% घटा देते हैं, आंसर देने वक्त इसका 20% घट जाएगा। जो भी इसका खर्च आएगा, इसका 20% खर्च कौन वहन करेगा, रमेश करेगा, तो इसको 80% ही खर्चा देना होगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 हो गया, 8 गुना 4 32, 6 38,
तो आंसर हो गया 3840 रुपया। 3840 रुपया आपको राजेश को देना होगा। चलिए, तो आपका थ्योरी का क्वेश्चन समाप्त हो गया, थ्योरी का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आ जाइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन में। अच्छा, अभी तो एक क्वेश्चन और है इसमें। लिखा हुआ है ए और बी क्रमशः 50,000 रुपया, 60,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। ए को व्यापार का प्रबंधन देखने के लिए कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। 8,800 रुपया के लाभ में से ए का लाभ बताइए। तो आपको बोले थे कि पार्टनर दो तरह का होता है, एक होता है वर्किंग पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर जो काम करता है, स्लीपिंग पार्टनर जो काम नहीं करता है। सीधा सीधा, जो काम करता है वर्किंग पार्टनर, जो काम नहीं करता है स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ पूंजी लगाता है, काम नहीं करता है। तो आइए, दो इसमें तो दोनों ही पार्टनर पूंजी लगाया है, 50,000 और 60,000, तो रेशियो हो गया 5:6। यह रेशियो क्या चीज का है, कैपिटल का या पूंजी का। अब बोला गया है कि ए व्यापार का प्रबंधन देखता है, मैनेजमेंट देखता है, इसके बदले उसको टोटल लाभ का 12.5% अलग से मिलता है। तो टोटल लाभ हुआ कितना है, 8,800 रुपया। तो 8,800 रुपया में से पहले ए को मिल जाएगा 8,800 का 12.5%। 12.5% का मान 1/8 होता है, तो ये हो गया आपको 1,100 रुपया। 8,800 में से 1,100 रुपया ए को मिल जाएगा। अब देखिए, लिखा है शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो शेष लाभ बचा कितना, तो 8,800 में से 1,100 घटा दिया जाए तो शेष लाभ आपका बच गया 7,700 रुपया। शेष लाभ आपका बच गया 7,700 रुपया। अब इसमें कहता है कि ए का लाभ बताइए, ए का लाभ बताइए। हम ए का कुल लाभ निकाल दे रहे हैं। अब तो ए को पहले ही मिल गया है आपको 1,100 रुपया, ए को पहले ही मिल गया है 1,100 रुपया। यही जो 7,700 रुपया बचा, इसमें से जो ए को लाभ मिलेगा वो मिलेगा पूंजी के अनुपात में, कैपिटल के रेशियो में। तो पूंजी का अनुपात कितना था, 5:6, तो इसमें मिलेगा 5/11। ये इसको कैंसिल करिए, 7 × 5=35 और 11 = 46 ना, तो ए को टोटल 4,600 रुपया मिला। 8,800 रुपया में 4,600 रुपया आपको मिलेगा किसको, ए, और यही आपका आंसर होगा। चलिए, एक क्वेश्चन और है इसमें, थ्योरी में एक क्वेश्चन और है। ए और बी एक व्यापार का प्रबंधन, व्यापार में क्रमशः 10,000 रुपया, 40,000 रुपया लगाया। बी को व्यापार का देखभाल के लिए 1,000 रुपया प्रति माह वेतन मिलता है। प्रत्येक की पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान होता है। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। 40,000 रुपया के वार्षिक लाभ में से बी का लाभ क्या होगा। तो पहले हम कैपिटल का रेशियो निकाल देते हैं। तो पहला लगाया है 10,000, दूसरा लगाया है 40,000, रेशियो हो गया 1:4 का, 1:4 का रेशियो हो गया पूंजी का।
अब आते हैं, तो आइए बी को पहले 1,000 रुपया आपको वेतन मिलता है व्यापार का देखभाल करने के लिए, चलिए 12 से गुना क्यों करना पड़ा, बात है वार्षिक, तो 1,000 रुपया महीना मिलता है, 12 महीने का वेतन हो गया 12,000। अब आगे पढ़ते हैं, प्रत्येक के पूंजी पर 10% ब्याज मिलता है। अब दोनों का इंटरेस्ट निकाल देते हैं, इसमें बोले ही थे दो टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे थे अभी, जो एक टाइप का पिछले से पढ़ रहे हैं वो है आपको कंडीशनल क्वेश्चन, और एक्सरसाइज में ऐसा आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, एक्सरसाइज में भी पूरा पूरा हाफ क्वेश्चन जनरल है और हाफ क्वेश्चन कंडीशनल दिया हुआ है, और एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन को बनाने का कोई उपाय ही नहीं है, चूँकि डेटा बहुत ज़्यादा, सब डेटा का तो यूज करिएगा ना। चलिए बोला गया है कि शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, पहले तो 10% ब्याज, ब्याज तो निकाले ही नहीं, तो लाभ कितना है आपको 40,000, तो 40,000 का 10% पहला को भी मिलेगा और 40,000 का 10% दूसरा को भी। प्रत्येक को पूंजी पर 10%, देखिए गलती लिखा ना गया, लाभ का नहीं, किस पर, पूंजी पर, तो पहला पूंजी लगाया है 10,000 रुपया, दूसरा लगाया था 40,000, चलिए तो ए को 1,000 रुपया ब्याज मिला, बी को 4,000 मिला। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, तो आप देखिए क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर क्या चीज, शेष लाभ, तो शेष लाभ क्या बचा, अब इसको निकाल लिया जाए, तो टोटल लाभ कितना है 40,000, 40,000 में से कितना का अब तक बंटवारा हो चुका, तो 1,200 रुपया, 12,000, 12,000 रुपया बी का वेतन हो गया, 1,000 रुपया ए का ब्याज हो गया और 4,000 रुपया बी का ब्याज हो गया, तो इसमें से देख लीजिए कितना पैसा निकल गया, तो 12,000, 1,000, 13,000, 4,000, 17,000, इसमें से 17,000 घटा दीजिए तो बच गया 23,000, तो 40,000 रुपये के लाभ में से 23,000 रुपया लाभ का बट अति 17,000 का बंटवारा हो गया, 23,000 रुपया भी बच गया, तो बचे हुए लाभ को अब कैसे बांटना है, तो क्वेश्चन लिखा है कि शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटना है, और इसमें से आप बी का लाभ बताइए, तो 23,000 में से दोनों का अलग अलग का अलग निकाले, अब खाली बी का ही निकाल लेते हैं, क्योंकि आंसर में तो हमको बी का ही नहीं लिखना है, ये हो गया आपको 23,000 गुना पूंजी का अनुपात, देखिए 1:4 है, पूंजी का अनुपात आपको 1:4 है, तो बी का निकालना है तो 4/5। चलिए अब कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो 5 से ही 230 कटेगा, कितना बार, 46 टाइम्स कटेगा ना, 46 बार, ये हो गया आपको 16 × 2 = 18, 184, 18,400 रुपया इसमें से बी को मिल जाएगा। अब बी का टोटल लाभ जोड़िए, अब जोड़िए कि बी को टोटल क्या मिला, अब जोड़ना है कि बी को टोटल क्या मिला, थोड़ा सा पेज छोटा करते हैं, स्पेस बढ़ाते हैं,
तो आइए देखिए क्या क्या बी को मिला, कितना कितना मिला, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बी को पहले वेतन मिला है 12,000 रुपये प्लस, उसके बाद बी को देखिए ब्याज मिला है 4,000 रुपये, अब फिर बी को लास्ट में यहाँ देखिए मिला है 18,400। टोटल जोड़ दीजिए तो 400, 400, 400। चलिए इधर अब जोड़ लेते हैं तो 18, 4 हो गया 22, 22 और 12 44 हो गया ना, 22 और 12 ना 34, तो आंसर हो गया 34,400 रुपया, आंसर हो गया 34,400। आपसे यदि आंसर हो गया, लेकिन यदि आपको एक आप पूछता आपसे, तो फिर देखिए ए को मिला है 1,000 रुपया ब्याज, यदि ए का पूछता तो 1,000 रुपया उसका ब्याज हो गया। अच्छा उसके बाद एक ही बार 23,000 रुपया में से उसको मिलेगा, 23 × 1/5, तो 23 में आप 5 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4,600 रुपया, तो ये हो गया आपको 5,600 रुपया। या फिर आप कहिए कि बी का हम निकालिए दिए तो टोटल में से बी का घटा देंगे तो ए का नहीं निकल जाएगा, हाँ निकलिए जाएगा, तो टोटल आपको 40,000 रुपया था, 40,000 में से 34,500 मिल गया किसको, बी को, और 5,600 रुपया आपको मिल जाएगा, इसको जोड़ के देख लीजिए, 34 × 5 = 39, 40,000 रुपया दोनों का सही है। तो इस तरह से आपको बनाना है, पहले दोनों के पूंजी का रेशियो अनुपात 4, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे लिखना है, और लिखना पड़ेगा। आप बहुत ही कर सकते हैं कि स्टेप थोड़ा सा कम कम लिखिए, थोड़ा सा कम कम लिखिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा मतलब बाकी सब क्वेश्चन की तरह ऐसा उपाय नहीं है कि एकदम शॉर्टकट सोच ले, शॉर्टकट लिखने कारण डेटा बहुत है, तो सारे डेटा का यूज नहीं करेंगे तो फिर बनाएंगे कैसे, सारे डेटा का यूज तो करना ही है ना। तो देखिए पहले पूंजी का अनुपात 1:4 हो गया, हम एक भी स्टेप फालतू नहीं लिखे, उसके बाद आपको बोला गया है कि अति 10% ब्याज, तो दोनों का ब्याज निकाल दिए, पहले इसका सैलरी था सैलरी निकाल दिए, फिर पूंजी पर ब्याज था तो 10,000 40,000 का ब्याज निकाल दिए, शेष लाभ निकाल दीजिए, ये स्टेप को आप मान लीजिए छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट 23,000 लिख दीजिए, लेकिन हम तो चूंकि पढ़ा रहे हैं तो हमको समझाने के लिए तो लिखना पड़ेगा कुछ बात। अब बी का निकालना है तो ए को हम छोड़ दिए, ये 23,000 में से बी को मिल गया 4, और 4 बटा टोटल 4 बटा 5 18,400 रुपया। अब बी का कुल लाभ तो 12,000 इसको वेतन मिल गया, 4,000 रुपया ब्याज मिल गया, और बचे हुए पूंजी में से 18,400 रुपया और मिला, सब मिला कि इसको 34,400 रुपया। चलिए तो रहने देते हैं, नेट आज डिस्टर्ब हो गया था आप लोग का, तो आप लोग तो चले गए लेकिन हम पढ़ाते रहे, ये वीडियो को हम आपको सेंड करते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है, थ्योरी का समाप्त हो गया है, कल से एक्सरसाइज का क्वेश्चन चलेगा, कल से एक्सरसाइज का क्वेश्चन चलेगा। पीडीएफ आपको दोपहर में भेज देंगे, अभी वीडियो तुरंत आपको भेज दे रहे हैं।